गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पायल नाथ। सो गाइस तुम बतावी मत करता यार, झूठ मत बोलो। गाइस चैनल पे जो पहली बार है वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और मैं आ जाई हूँ बुद्धिस्ट टेम्पल और अभी हो रही है बरसात और मैं भीग रही हूँ बरसात में और अच्छा लग रहा है। तो ऊपर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मंदिर कैसा है और पहले मैं खुद ऊपर चढ़ लेती हूँ। मैंने पहने हील्स और यहाँ पे मैं आ गई सीढ़ियों से चढ़ते हुए, बहुत ज्यादा सीढ़ी है, मैं दिखा दूंगी। तो सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर जा रही हूँ अंदर। ना खास क्या है, बहुत देखा है वीडियोस में, ऊपर चढ़ के जाके उसके बाद आप लोगों को बताते हैं क्या है। फिलहाल अभी मैं ऊपर जा रही हूँ इसलिए मैं कैमरे में कम नीचे ज्यादा देख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गिर गई ना डायरेक्ट नीचे पहुंच जाऊंगी डायरेक्टर। तो गाइस आ गई मैं ऊपर और बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं थक गई। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल मैं बच रही हूँ बारिश से और कुछ नहीं कर रही हूँ। और इसको मिल गया थोड़े इसके सब्सक्राइबर तो एक हाथ को पकड़ के इसने सब्सक्राइब किया अभी। क्या किया तुमने? बारिश में हमको बहुत अच्छा लगता है, वो तो आप लोग को मालूम ही है। झूठ मत बोलो, झूठ तो नहीं। अरे वो तो लोग बुला लिया कि चैनल है क्या। हाँ है, तो मैंने बोल दिया है अपना चैनल और तुम्हारा भी चैनल बोल दिया है। अभी मार खाता है भाई, अभी ये मार खाता। अगर ये मेरा चैनल नहीं बताता ना तो मार। गुवाहाटी से लोकल है और मैं तामुलपुर से, आप लोग को बताइए। अपनी फेमस ही मेरे ब्लॉग में चमकने की आदत सी हो गई ना इसको, अब क्या करे। तुम तो आ चुके ना ऊपर, तुम मुझे दिखा दो। आइए आइए। तो ये रहा आज मेरा टूरिस्ट गाइडर, ये मुझे बताएगा कैसे जाना। कुछ ऐसा है इसको बनाया, हाँ बताओ गया है। मैं बारिश से बच जाती हूँ, इसको बीच भिगा देती हूँ, ये बताते रहेगा। हाँ सर, अब मैं यहीं पे खड़ी हुआ, बता दो यहीं से आवाज नहीं जाएगा ना। अच्छा, मुंह इतना बड़ा है, गला क्यों छोटा है आपका? वो तो भगवान ने दिया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए ठीक है। क्यों तुमको पढ़ना नहीं आता? हमको पढ़ना आता है, आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है कि नहीं? किसको पढ़ना नहीं आता? मुझे। हाँ तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। अच्छा, समझ रहे हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल तो मैं बचपन में पास कर चुकी थी। अच्छा, वही थे। ये है, ये दिखा दो, ये थोड़ा पुराना टीला टाइप का है। हाँ। तो गाइज मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं बुद्धिस्ट टेम्पल बचपन से लेके आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, कभी भी नहीं आई। तो ये क्या है आप लोग मुझे बता सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता। मोनेस्ट्री का एक ये भी हिस्सा है, तो मोनेस्ट्री में ये सब कुछ रहता है ठीक है। तो आप अगर कहीं पे भी जाओ, नेपाल जाओ, तावा ये अरुणाचल जाओ, आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा। आप बोलते बोलते पीछे मत चले जाइए, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं होगी या सीढ़ी उतरने की जरूरत। डायरेक्ट रॉक एंड रोल एंड देन यू विल गेट माय लोकेशन। अपने कार के पास पहुंच जाओगे, डायरेक्ट दरवाजा खोलोगे, चलाओगे, पहुंच जाओगे नीचे। वो अलग बात है, तुमको सामने नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ ले जाना पड़ेगा। वो नारायणा क्यों जाओ? हम तो कहाँ जाओगे? हम जाएंगे अपना मर्जी, हम जीएमसी में जाएगा, फोकट में फ्री में हो जाएगा। टेम्पल अभी हम लोग जाते हैं बुद्धिस्ट, क्या बोलते हैं उसके पास जाते हैं, मोनेस्ट्री। हाँ, स्टेचू के पास। स्टेचू ये देखिए पीछे ही है स्टेचू, लेकिन आगे की तरफ लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि लोकेशन ज्यादा ठीक नहीं है। उधर से चलो भाई, कहाँ से जाएगा? पहाड़ से डायरेक्ट कूदेगा क्या? ये आ चुका है ना, इसलिए मुझे गाइड कर रहा है। देखो मुझे अच्छे से पकड़ लेना, मैं गिर गई ना तो मेरा खर्चा भी तुम्हें को उठाना। खर्चा क्या जाना है तुम्हारा? जीएमसी में डाल देगा, सरकारी हॉस्पिटल में डाल देगा, सरकार ठीक करके देगा, इसमें क्या है? मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या? ठेका? चलो, ठेका नहीं है मेरा। अरे बारिश दे रहा है, चलो जल्दी से। यहाँ पे मस्त मस्त लोकेशन है, यहाँ पे फोटो खींचने का जगह है गाइस, लेकिन बारिश दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश से बचने का भी सॉल्यूशन है। हाँ मस्त, ये है बारिश से बचने का सॉल्यूशन। अगर मस्त बारिश दे रही हो फिर यहाँ पे खड़े होके भी शूट कर सकते हैं। एक से क्या देख लिया होता है? देख लिया, ये यही वाला स्टैचू तो नीचे से दिख रहा था। इतना बड़ा है यार, यहाँ का व्यू देखो यहाँ से।
ऐसा व्यू देखते रहते डायरेक्ट नीचे पहुंच जाओ क्या? हाँ ये देखूंगी भी नहीं ना, नीचे पहुंच जाऊंगी तो। ये देखो आगे ट्रेन, ये जंगल है ना, ये ट्रेन जा रही है। चले क्या वापस? बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश हो रहा है, गाड़ी में चलाओ। इधर आओ, इधर आओ। क्या गाड़ी में चलो? तब से तुमने टाइम बर्बाद किया। अभी मेरे एक फोटो लो, शॉर्ट्स लो, खींच लेते फोटो एक दो। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए हमको जल्दी जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। इतना कष्ट करके इतना पहाड़ चढ़ के आए, उसके बाद अभी कुछ भी नहीं कर पाए, इंजॉय भी नहीं कर पाए। अरे अरे, रास्ता ही भूल गया बारिश के चक्कर में। मैंने सोचा था मस्त मस्त यहाँ पे शॉर्ट्स लेंगे, सूट वूट पहन के मेकअप करके अच्छे से आई थी मैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भीग गई मैं आगे। और बहुत तेज की लगी भी है, किस तरह से क्या कंट्रोल करूँ मैं बताओ? मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, मैं बारिश को? सो गाइस, बारिश में देखो मैं कैसे भीग गई, सब मेकअप उतर गया यार मेरा। वो तो होना ही था। क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ बिना मेकअप के? कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और यो मेरा सब उतर गया। सो गाइस, चैनल पर जो पहली बार है पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इतना कष्ट किया है। मैं बारिश से भीग गई, मुझे बुखार हो गया, तो वायरल फीवर चल रहा है इन दिनों, अगर वायरल फीवर हो गया तो। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सीधी बात, नो बकवास। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बारिश से भीग के। और उसके बाद देखेंगे शाम को, अगर कहीं जा सकते तो जाएंगे ना। जाओगे क्या अगर बारिश रुकी तो? इतना तो देर निकले बारिश के चक्कर में। इसको बारिश पसंद है, मुझे इसलिए बारिश पसंद नहीं है, कुछ काम नहीं होता बारिश में। हम लोग तो ठीक है, चलो गाड़ी में बैठ के तो। हम लोग तो ठीक है, चलो गाड़ी में बैठ के निकल लिए। बट जिन बेचारों का 200-300 का अर्निंग रहता है महीने का, दिन का, वो कैसे करेंगे बताओ? बारिश होती है उनको वही टेंशन हो जाती है कि कैसे जीना है, कैसे घर में राशन आएगा, कैसे क्या क्या आएगा। तो यही प्रॉब्लम है बारिश का, समझे? बारिश का तुम आनंद लेते हो, बहुत लोगों को नुकसान है बारिश का। पुचके वाले हो, चाहे मोमोज वाले हो, चाहे सब्जी वाले हो, वो तो तैयारी कर चुके होंगे कि अभी हम शाम को निकल जाएंगे। बारिश देगा, पेड़ पौधे उगलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। नॉट ऑल टाइम बारिश अच्छा होता है, बारिश कभी कभी अच्छा है। सब कुछ ऑल द टाइम अच्छा ही नहीं लगता है, सब कुछ बीबीबी सब कुछ ऑल द टाइम अच्छा नहीं लगता, अपना पति भी देख देख के अच्छा नहीं लगता गाइस। हाँ, इसीलिए तो तुम देखता रहता है दूसरों को। दूसरों को देखने का आनंद जो है वो अलग है। हाँ, देखने का ही परमिशन है, लड़की समझ सकती है, देखने का ही परमिशन है, इससे ज्यादा नहीं। तो हम भी कौन सा ज्यादा कर रहे हैं, हम देख ही रहे। हाँ, आँख दिया है भगवान ने, वो तो देखना ही है। हाँ, आँखें तो चली जाती है, आँखों पे किसका जोर? नहीं नहीं, आँखों पे किसका कंट्रोल है? माइंड का नहीं होता आँखों पे कंट्रोल ना, दिमाग से कुछ सब कुछ कनेक्टेड है भैया। कनेक्टेड नहीं है भैया, आंखें नहीं कनेक्टेड है दिमाग से, आंखें सडनली ऐसा चली जाती है इधर उधर, उसको नहीं कनेक्ट कर सकते। दिमाग ने बोला है ऐसा ऐसा से देखो, कुछ नहीं ऐसा ऐसा, वो ही एक्सीडेंट हो गया क्या? हाँ, दिखाओ। ये देखिए गाइस, एक्सीडेंट ये शायद से रात को हुआ है, रास्ता गलत रास्ता चूज कर लिया वो, डिवाइडर चूज कर लिया वो।